नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं जी हां उनका दौरा जो था वो रद्द कर दिया गया है फिलहाल इस बीच ये खबर है कि गया के ए एन अस्पताल में वो जाएंगे और वहां से जो लू से प्रभावित मरीज हैं जो हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीज हैं उनका जायजा लेंगे लेकिन जो औरंगाबाद और नवादा में उनका जो एरियल सर्वे होना था वो टल गया है दरअसल सोशल मीडिया पर जम करके इस पर बहस हो रही थी और आलोचनाएं की जा रही थी कि नीतीश कुमार आखिर हवा में लू का जायजा कैसे लेंगे और इधर दानिश रिजवान जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी निशाना साधा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार उन पर वार किए जा रहे थे उनके एरियल सर्वे को लेकर के और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद विरोध से डर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर एस के जब वो गए थे वहाँ पर ए एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रम्स के जो मरीज हैं जो बच्चे वहाँ मासूम जिनकी मौत हो रही है उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए और वहाँ पे अस्पताल का जायज़ा लेने के लिए तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था नारेबाजी भी हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुँचने के बाद हालाँकि इन सबके बीच व मुजफ्फरपुर एस के एम अस्पताल के अंदर गए और वहाँ पर जाकर के वार्डों में जहाँ पर ए के वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया मरीजों से मिले भी उनके परिजनों से भी उन्होंने बात की लेकिन इस बीच बाहर अस्पताल के बाहर परिसर में लगातार हंगामा होता रहा जन अधिकार पार्टी के नेता भी वहां मौजूद थे बाकी अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरोप लगा रहे थे उन पर और कह रहे थे कि इतनी देर से वो यहां पर क्यों पहुंचे शरद यादव और सन ऑफ मला मुकेश सहनी भी आज एसके एमसीएच पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर पहुंचे वो लोग अस्पताल पहुंचे थे वहां पर उन लोगों ने दौरा किया जायजा लिया इसके बाद शरद यादव ने साफ साफ तौर पर यह कहा कि अगर जो वादे किए गए थे पिछले साल और उसके पिछले साल अगर वादे सही साबित होते अगर उनको ज़मीन पर अमल जामा पहनाया जाता तो कहीं ना कहीं बच्चों की मासूमों की मौत नहीं होती और एस के एम सी एच के हालात पहले से बेहतर होते इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एस के एम सी एच पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात करने के बाद मीडिया को संबोधित किया और उसमें बताया कि उन्होंने निर्देश दे दिया है कि एस के एम सी एच में पच्चीस सौ बेड लगभग किए जाएं 2500 बेड उसमें जो अभी तत्काल जितने बेड हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 2500 बेड किया जाए इसके साथ ही साथ 100 बेड का आईसीयू बनाने का भी उन्होंने निर्देश दे दिया है इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बाहर से डॉक्टरों की टीम को बुलाया जाएगा बच्चों के इलाज करने के लिए इन सब के बीच आज जाने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एरियल सर्वे पर जो लू से प्रभावित क्षेत्र हैं जो गर्मी से प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर लू की वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं वहाँ पर जा करके वो एरियल सर्वे करने वाले थे लेकिन एरियल सर्वे उनका टल गया हालांकि वो गया जाएंगे ए एन एम सी एच में वहाँ पर जा कर के मरीजों से मिलेंगे जो लोग लू से प्रभावित हैं वहाँ पर एडमिट हैं वहाँ पर जा करके वो मुलाकात करेंगे गया में भी जो अस्पताल है एनएमसीएच उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है इसके साथ ही साथ जो नवनिर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी जो अभी बन रही थी अस्पताल परिसर में उनको आईसीयू में तब्दील किया गया है और वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है जो वहाँ के डीएम हैं वो लगातार निर्देश दे रहे हैं किस तरह से किस तरह से इलाज करना है डॉक्टरों की टीम किस तरह से मैनेज करेगी इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पहुँचेंगे लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो एरियल सर्वे करने वाले थे हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे वो टल गया आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं वहां पर क्या कुछ होता है क्या एक बार फिर से उन्हें पब्लिक का विरोध का सामना करना पड़ता है इन सबको लेकर के लाइव सीरीज आपको सबसे पहले अपडेट देगा हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी किए सब्सक्राइब करें खबरों में अपडेट रहने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सीटीज़ डॉट इन पर जाएँ धन्यवाद